के तबादले हो चुके हैं, तो इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। बजट से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच अहम खबर ये भी है कि 38 ऐसे आईपीएस हैं जिनके तबादले हो चुके हैं, तो पुलिस महकमे में ये बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार बहुत अलर्ट है, संजीदगी दिखाई जा रही है, क्योंकि इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच 38 ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले हो चुके हैं। अब इनके तबादले के पीछे क्या कुछ वजह है, क्या ये रूटीन तबादले हैं या सब कुछ कंट्रोल में करने के लिए, सब कुछ ट्रैक पे लाने के लिए किया गया है, ये अहम सवाल बना हुआ है। हम अपने सहयोगी से जुड़कर इस सवाल का जवाब भी लेंगे, लेकिन वो बड़े नाम भी हमारे पास पहुंच रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल, अहम फेरबदल हुआ है, 38 ऐसे नाम हैं, 38 ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं, तो इस वक्त हम आप तक ये अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं और इसमें कई बड़े नाम भी हैं। चौतरफा हमला हो रहा है इन दिनों सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, एक के बाद एक घटनाएं भी हो रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, और इसी कड़ी में अब सरकार भी ऑफिसर्स को बख्शने के मूड में नहीं है। और तबादलों की सूची इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इन तबादलों की सूची से आप अपडेट हो सकते हैं। ये बड़े नाम, अब इसमें हम आपको बताते हैं, अनिल पालीवाल हैं जो कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। बीजू जॉर्ज जोसेफ पुलिस आयुक्त थे ये जोधपुर में, अब इनका तबादला हुआ है जयपुर में, जिम्मेदारी क्या सौंपी गई है ये भी हम आपको बता दें। महानिरीक्षक पुलिस और विनीता ठाकुर हैं, इनका तबादला हुआ है और इन्हें उदयपुर भेजा गया है। ये जयपुर में पोस्टेड थी और इनको उदयपुर भेजा गया है, महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज। रुपिंदर सिंह की बात करते हैं जो कि महानिरीक्षक पुलिस, इन्हें इंटेलिजेंस में जयपुर लाया गया है। और इस बीच हमारे सहयोगी ऋतुराज का हम रुख करते हैं। ऋतुराज, इस तबादले की सूची को किस तरीके से देखें, सबसे अहम और सबसे खास इसमें क्या दिख रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है तबादले में कि जो पुलिस बैठ विधानसभा के सब में बदला जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो हाल के दिनों में अभी घटनाक्रम हुए बंदी को लेकर या अन्य बातों को लेकर, इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन किए गए और अन्य तरह की बातें की गई, उसमें ये कहीं ना कहीं यहाँ छाया नजर आ रही है। अभी अभी क्योंकि तबादला सूची जारी हुई है, इसके लिए सबसे बड़ी बात जो थी, अनिल पालीवाल को पोस्टिंग मिल गई है जो काफी दिनों से एपीए थे। बीजू जॉर्ज जोसेफ को महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय दिया गया है, ये सबसे बड़ा तबादला हम मान सकते हैं। इसी तरह से विनीता ठाकुर है महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज में आ गई है। और जो बड़े जो मुख्य नाम बात करें तो उपेंद्र साहू है। अच्छा, मोटे तौर पे हम समझना चाहें कौन कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनके तबादले से ज्यादा हैरानी हो रही है? देखिए, जो बड़े नाम इसमें जो सामने आए हैं, बीजू जॉर्ज जोसेफ का, अनिल पालीवाल को पोस्टिंग दे दी गई है क्योंकि एपीओ थे काफी समय से, अब ये उग्रवाद निरोधी दस्ते की जो जिम्मेदारी है वो संभालेंगे। बीएल मीणा को अच्छा गृह रक्षा में महानिरीक्षक पद पर पोस्टिंग दी गई है। उप महानिरीक्षक और निरीक्षक स्थित पर काफी तबादले किए गए हैं। जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो वो करीब आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं जिलों में, जो इस तरह की कानून व्यवस्था। और अब मौजूदा वक्त के लॉ एंड ऑर्डर से अगर इस खबर को हम कनेक्ट करें तो क्या समझ में आता है? देखिए, भीलवाड़ा, नागौर, बाड़मेर, जालौर, सीकर, ये ऐसे जिले हैं लॉ एंड ऑर्डर के लेकर आए दिन प्रॉब्लम आती थी, तो वो वहाँ पर ठीक किया गया है। हरेंद्र कुमार महावर को जिम्मेदारी दी गई द्वारा, इस तरह से विकास पाठक नागौर लगाए गए हैं। सवाई समीर कुमार सिंह है जो सवाई माधोपुर में थे, अभी सीआईडी सिविल में इनको भेज दिया गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल है, उनको एसएसपी में लगाया गया उदयपुर। अजय सिंह जो अभी हाल ही में जो चर्चित हुए थे, जो अभी बंदी प्रकरण में स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, पुलिस अधीक्षक धौलपुर थे, अभी ने कमांडेंट 12वीं बटालियन लगाया गया है। तो ये एक बड़ा तबादला है और ये मानी जा रही है कि ठंडी पोस्टिंग में इन्हें लगाया गया है और जो खामियाजा है वो उठाना पड़ा है, ये साफ देखने में सामने आ रहा है। अच्छा, इस बीच हम पुलिस महकमे की बात करें तो अगर इस तरीके की तबादलों की सूची जब सामने होती है तो क्या कुछ उन पे असर पड़ता है?
देखिए ये पुलिस के जो तबादले की ये है चीज, इसमें पुलिस सिस्टम को सुधारना, कानून व्यवस्था स्थिति सुधारना। अच्छा, इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है कि धौलपुर के जो एसपी थे उनको हटा दिया गया है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बिल्कुल, अजय सिंह के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। अभी अभी मैंने बताया आपको, पुलिस अधीक्षक धौलपुर हैं, के कमांडेंट 12वीं बटालियन में लगाए गए थे। अभी अभी जो बंदी प्रकरण सामने आया था जिसमें स्टिंग ऑपरेशन की बात कही गई थी, और ये कहा गया था कि दिनेश शर्मा पर गाज गिरने वाली है, लेकिन ये पूरा जो मामला हुआ इसमें ऐसा लग रहा, ऐसा माना गया कि दोनों पर गाज गिरनी स्वाभाविक है। तो ये उन्हें अजय सिंह को हटाया गया है, पुलिस अधीक्षक धौलपुर हैं, और कमांडेंट 12वीं बटालियन काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे कि जिस तरह से वसूली होती है थाने में, वो वसूली मृदुल कछावा को जिम्मेदारी सौंपी गई है धौलपुर की। अब देखिए जो अजय हैं उनको काफी जो ठंडी पोस्टिंग है वो दी गई है, कमांडेंट लगाया गया है। यदि हम और सवालों की बात करें, पूरे जो सिस्टम है उसको चेंज करने की कोशिश की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो पंचायत राज और जो कानून व्यवस्था और आदि स्थिति को देखते हुए तो बहुत जिलों के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो बदले गए हैं, और दर्जन भर से इसकी संख्या ज्यादा सामने आ रही है। चलिए, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, लेकिन महत्वपूर्ण अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पे 38 ऐसे आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले हुए हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, कई ऐसे हैं जिन पे आरोप लगा था, जिनके परफॉर्मेंस से महकमा खुश नहीं था, तो उन पे भी गाज गिरी है, और कई नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें धौलपुर सबसे अहम निकल कर सामने आया है, जहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारी खामियां आ रही थी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। तो अब सब कुछ बदल चुका है, लेकिन कितना चुस्त दुरुस्त होता है पुलिस महकमा, इस पे हमारी नजर है। तो बड़े नाम कौन कौन से हैं, इस पे एक बार हम फिर से फोकस करना चाहेंगे, जिसमें लक्ष्मण गौड़ की बात करें तो भरतपुर में इन्हें उप महानिरीक्षक पुलिस की जिम्मेदारी सौंपी गई है पूरे भरतपुर रेंज के लिए। संतोष कुमार तुकाराम है जो कि पुलिस आयुक्तालय में जयपुर में ये पोस्टेड हुए हैं। विकास कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है जयपुर में। इसके अलावा हम कुछ जिलों की बात करें तो पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है हरेंद्र कुमार महावर। रुपिंदर सिंह आईजी पुलिस इंटेलिजेंस वन जयपुर, बीएल मीणा आईजी गृह रक्षा, ये तबादलों में बड़े नाम हैं जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। एसपी अजय सिंह का धौलपुर से ट्रांसफर कर दिया गया। कमांडेंट 12वीं बटालियन आरएसी दिल्ली लगाए गए हैं अजय सिंह। तबादलों की सूची पे हम फोकस करें, प्रफुल्ल कुमार की बात करें तो पुलिस कमिश्नर जोधपुर, इनकी पोस्टिंग वहां हुई है। जोस मोहन उप महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर बेंच। इसके अलावा अनिल पालीवाल एडीजी एटीएस और एसओजी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजू जॉर्ज जोसेफ की बात करें तो आईजी पुलिस मुख्यालय इनको जिम्मेदारी मिली है। विनीता ठाकुर आईजी उदयपुर, रुपिंदर सिंह आईजी पुलिस इंटेलिजेंस जयपुर में जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीएल मीणा आईजी गृह रक्षा, ये बड़े नाम है जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। एसपी अजय सिंह का धौलपुर से ट्रांसफर कर दिया गया है। और इस बीच हमारे सहयोगी बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मण, बड़ा फेरबदल हुआ है, किस तरीके से देखा जाए इसको? देखिए, निश्चित तौर पर ये अपेक्षित फेरबदल था, इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बातें आ रही थी, और कहीं ना कहीं इस लिस्ट में ये खास तौर पर फोकस किया गया है कि जो विवादित आईपीएस थे, यानी जो सुर्खियों में किसी ना किसी कारण से थे, उन सबको साइडलाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं, बीकानेर रेंज आईजी बीएल मीणा की बात हो, धौलपुर एसपी अजय सिंह की बात हो, या कुछ और ऐसे नाम हैं जिन पर कुछ सवाल निशान खड़े हो रहे थे कहीं ना कहीं, तो उनको जो गुड गवर्नेंस के लिए जो अशोक गहलोत जाने जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं उसी बात को ध्यान में रखा गया है। कुछ नए लोगों को मौका दिया गया है, पूजा आवाना जो जयपुर थे उनको जो लगाया गया है, छोटा जिला दिया गया प्रतापगढ़, प्रीति चंद्रा इनको एडजस्ट किया गया है। साथ ही साथ देखिए, प्रफुल्ल कुमार को जोधपुर जो है लगाया गया है, महत्वपूर्ण हो जाता है प्रफुल्ल कुमार की पोस्टिंग जो है, कमिश्नर जोधपुर उनको लगाया गया है। प्रफुल्ल कुमार लंबे अरसे से जयपुर भी रहे हैं और एक अच्छे ऑफिसर माने जाते हैं, तो उनको जोधपुर ले जाना कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि पुलिसिंग में अब उस तरह के जो फेरबदल की जरूरत थी उस हिसाब से जो है कहीं ना कहीं काम हुआ है।
इसके अलावा यदि बड़े नामों की बात करूँ तो और कोई ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कुछ लोग जो है खासतौर पर यदि हम बात करें धौलपुर एसपी बहुत चर्चित रहे थे, उनको दिल्ली भेज दिया गया आरएसी में, तो कहीं ना कहीं मेन मुख्य धारा से हटा के उनको फील्ड पोस्ट से हटाया गया है कहीं ना कहीं। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन पे गाज गिरी है, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इसको हम लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्ट करके किस तरीके से देखें? देखिए निश्चित तौर पर बिल्कुल आप बात ठीक कह रही हैं, ये बेहद उसी तरह की लिस्ट है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे थे। आपने देखा होगा किस तरह से जो है एसपी डीएसपी टीवी पर जो है डिबेट कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जिस बात के लिए सरकार अशोक गहलोत जाने जाते हैं गुड गवर्नेंस, और पुलिस में इसका सवाल उठ गया था, और नए डीजीपी के बाद पहली लिस्ट थी, तो निश्चित तौर पर फेस सेविंग कहीं ना कहीं होती है, तो वो सब कोशिशें इस लिस्ट में सीधे तौर पर दिख रही हैं, और जो भी नाम जो दिख रहे हैं वो बहुत हद तक यही कोशिश है कि जहां भी थोड़ा बहुत। लक्ष्मण बहुत सारे एंगल निकल रहे हैं, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे कुछ देर में, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बजट से जुड़ी हुई जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार, लेकिन